नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देखते हैं मैं नई नई वीडियो आपको डालता रहता हूं। नई वीडियो का मतलब खेती वही होती है लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो तरीके के ऊपर आज डिपेंड करता है ये कि हम बेसिकली भारतीय जो है अभी तक हम रासायनिक खादों पर डिपेंड थे और आज हम फिर से आए हैं सूरज जी के पास, क्योंकि इनकी गोभी उस समय थोड़ा सा तैयार कम थी, छोटे छोटे पौधे थे, इन्होंने गर्मी के लिए पत्ता गोभी तैयार की थी और अब जो है वो पौधा बड़ा हो चुका है। लगभग मुझे 12 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन बाद मैं देख रहा हूं कि यहां पे फसल बहुत अच्छी हो चुकी है। तो आज मैं सूरज सर से बात करूंगा कि सूरज जी ये बताइए कि आपने इसको कैसे तैयार किया, कौन सी वैरायटी है और इसमें कितना आपने अर्निंग के लिए सोचा है। तो पहले तो सूरज भाई, आपका मेरा जो है चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास निरंतर आते रहते हैं, तरह तरह की जानकारियाँ हमें देते रहते हैं, हमें और किसानों को, ठीक है। और आपका ऐसे ही सपोर्ट हम सब पे बना रहे। बिल्कुल बना रहेगा, आपका ऐसा प्यार मेरे लिए बना रहेगा तो मेरा सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा, हरदम बना रहेगा जी। बिल्कुल। तो चलिए सूरज जी, अब हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप, मैंने देखा कि आपने यहाँ पे गोभी लगाया है, कितना खेत है ये पहले तो ये बताइए आप। ये हमारा टोटल 1 एकड़ का प्लॉट है ये जी, और इसमें हमने आधे एकड़ में आधा एकड़ आपने पत्ता गोभी किया है। तो आधा एकड़ में जो प्लांट आपने लगाया, कितना लगा है पौधा इसमें? ये लगभग 10 से 12 हजार के बीच में पौधे हैं। चलिए हम 11 हजार पकड़ते हैं। जी जी। तो ये बताइए, आपने जो इसमें बीज डाला था किस कंपनी का डाला था, क्या नंबर है? जी, ये सारो कंपनी का बीज है और हाइब्रिड में फुटबॉल नाम से आता है। फुटबॉल नाम से है। तो किसान भाइयों, जैसे कि सूरज जी ने बताया कि सारो और फुटबॉल नाम से है ये, जिसकी क्वालिटी मुझे दिख रही है। ये कितने दिन का पौधा हो गया है सर? इसको हमने दिसंबर लास्ट में जी, दिसंबर लास्ट हफ्ते में इसका वो डाला था, पौध डाली थी जी जी। तो प्लांट कब किया इसमें, खेत में कब लगा? प्लांट हमने दिसंबर लास्ट में किया था। अच्छा, दिसंबर लास्ट में इसको प्लांट किया था, तो ये वैरायटी कितने दिन की है? वैरायटी तो ये थोड़ा सा हमने लेट लगाया क्योंकि खेत हमारे पास तैयार नहीं था, इसको हमने लेट लगाया। ये हमें मतलब नवंबर लास्ट में लग जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि दिसंबर में थोड़ा ठंडी ज्यादा होती है तो ग्रोथ कम मिलता है। जी जी जी। तो चूंकि आप रासायनिक खाद नहीं डालते हैं इसलिए आपने इसका ग्रोथ जल्दी नहीं किया है, आपने जैविक खाद की डाली है। तो सूरज जी, इसमें आप ऑर्गेनिक खाद भी कुछ डालते हो? जी जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक पे ही बेस रहता है हमारा। तो ऑर्गेनिक जो आजकल खाद आ रही है उसमें से भी आप कुछ डालते हो कि केवल आप देसी खाद और पोल्ट्री फार्म की खाद ही डालते हैं? नहीं, वो तो हम डालते हैं, उसके अलावा हम कार्बन यूज करते हैं, कमांडो यूज करते हैं। ये फैटन मॉलिक्यूल्स का जो है कार्बन और कमांडो? जी जी। तो उसमें और भी आता है, माइकोराजा आता है, रिबोजेम आता है, तो क्या वो भी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अभी तक अभी नहीं किया। अगर आप रिबोजेम करते तो जो आपका ग्रोथ थोड़ा सा लेट हुआ है, जो आपका सल्फर और यूरिया, जो हम नैनो सल्फर और यूरिया रासायनिक में यूज करते हैं, अगर वही रेबोजेम आप यूज करते हैं इस पे तो ये आपका ग्रोथ जो है बहुत बेहतर। इसको गांठ बांधिएगा सर अगली बार के लिए, क्योंकि अगली बार हम जरूर, कई चीजें आप जानते हैं तो कई चीजें हम भी आप सबसे ही इकट्ठा करके लाते हैं। मेरा अपना खुद का नॉलेज कुछ भी नहीं है, मैं किसानों से सारा नॉलेज लेकर के एक डायरी में नोट करता हूं, वही मैं अगले किसान को रिपीट करता हूं क्योंकि उसका प्रैक्टिकल मुझे दिखता है। तो इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे इसका आपने क्या सोच के रखा कि कितनी आपको अर्निंग हो जाएगी इसमें? ये मान के चलिए कि हमारा 11 हजार, जैसे आप बता रहे थे 11 हजार पौधे हैं जी, हम 6 से 7 रुपए के एवरेज में इसको, तो 77 हजार चला गया जी जी। तो 77 हजार में सर आपका खर्चा कितना लगा? खर्चा अगर आप कैलकुलेट करेंगे जुताई से लेके तो लगभग 15 से 16 हजार तक का खर्चा आ चुका है। 15 से 17 मान लेते हैं जी जी। तो कुल मिला के आपका 60 हजार इसमें आधा एकड़ में बचत निकलता है। अच्छा, एक चीज मैं फिर देख रहा हूँ कि आपने इसमें भी परवल कई जगह लगाया हुआ है जी, पूरे खेत में है कई जगह। तो थोड़ा इसमें दिखाइए परवल, किसान भाइयों को ये मैं दिखाना जरूर चाहूंगा कि इसमें परवल है और आप उसका भी आगे जो है फायदा लेंगे। दिखाइए सर आपका जो इसमें परवल है, ये यहाँ भी है, वहाँ भी है, अबे काफी आगे लाइन से यहाँ से दिख रहा है ना, ये 6 बाई 6 बाई। तो इसमें सर दिखाइए नीचे जो लगा हुआ दिखाइए। अच्छा, ये जो गोल गोल करके लगाए आपने ये परवल है, तो अभी इसमें आया नहीं है, ऐसा क्यों सर? ये देखिए हरा है। हाँ हाँ, हरा है, ये लेट लगा, जिसे हमने बताया कि ये दिसंबर लास्ट में इसका ये हुआ था जी, और उसी टाइम पे हमने इसको भी लगाया था, लेकिन
इसको अगर आप सही समय पर लगाते हैं तो तो अभी तक आ जाना था जी, जैसा कि बाकी खेतों में आपके आया हुआ है। परवल इसमें लगभग लाइन से लगाया हुआ है, तो ये गोभी आप जैसे कह रहे हैं कि आपने जनवरी में लगाया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ 60 दिन की गोभी है तो आपने क्या जानबूझ के इसको रोका हुआ है या जो है ग्रोथ हो ही नहीं रहा है? जी, इसको हमने जानबूझ के रोका है क्योंकि और भी इसके साथ की जो नर्सरी थी उसको हमने अलग खेत में लगाया है, इसको हमने स्पेशल मार्च के लिए रोक के रखा है इसको। मतलब होली में आप इसका फायदा उठाएंगे? उस टाइम पे रेट थोड़ा ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अभी तो आप मान के चलिए कि लगभग सबके पास ये चीज रहता है। जी, अभी तो रहता सबके पास रहता है। हाँ हाँ। इसको हमने लेट जानबूझ के किया है, और दूसरी बात इसमें थोड़ी हमारी मजबूरी भी थी, जैसे परवल हमने बीच बीच में लगाया है तो उस समय आप सिंचाई नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ऐसा क्यों? परवल खराब होने का चांस रहता है, अगर परवल में पानी ज्यादा लग गया तो फिर परवल सड़ जाता है, पौधों में फंगस लग जाएगा, वो आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने इसको सिर्फ एक बार लगाते टाइम एक बार ड्रेंचिंग किया है। कुल मिला के अच्छे फायदे के लिए रोकना चाहते हैं तो आपका 70,000 रुपए जो आप बता रहे हैं बजट, तो इसका तो सर दोगुना निकल जाए, क्योंकि उस समय तो 30 जाएगा ये या 25 भी जा सकता है। नहीं, ये हम कम से कम मान के चल रहे हैं, इससे नीचे तो आ ही नहीं सकता, आप सोच नहीं सकते कि इससे नीचे जाएगा ये। आज किसान भाई इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सीखिए किसी किसान से, ये भी किसान ही है, खेती करते हैं, तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि इन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि एक महीना डेढ़ महीना जो है रोक करके और इसमें से अच्छा जो है ये प्रॉफिट लेने की सोच रहे हैं। सही बात है ना? बिल्कुल। तो किसान भाई ऐसे ही खेती कीजिए, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने और डिस्प्ले भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप जो भी चाहें इसके बारे में अगर कभी पूछना चाहें तो किसानों की पूरी मदद करते हैं, और इनका ये स्वभाव, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आप इतनी मेहनत करते हैं। किसान भाइयों ऐसे ही मेहनत करिए, ऐसी मैं कई वीडियो दूंगा, कई ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो कि कितना मेहनत करते हैं और पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाया अगर इन्होंने तो ऊपर वाला भी इनको सफलता जरूर देगा। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूं, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।